हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2.25 मीटर में सलवार कटिंग करना सीखेंगे और ये सलवार आसन वाली होगी, जिसमें आसन डाला जाता है वो सलवार होगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सलवार की लेंथ है 36.5। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे सिंपल फोल्ड कर लिया मैंने। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सलवार की लेंथ है 36.5 और इसे हम 5 इंच कम करेंगे। मैं तो ऐसे निकाल देती हूँ, 5 बाहर निकाल दिया, सबसे आसान तरीका। 5 बाहर निकाल दिया मैंने। 36.5 सलवार की लेंथ है, तो एक इंच में इसका मार्जिन लेंगे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5 इंच पेटी लेस करने के बाद 32.5 बचा है पीछे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 32.5 हो गया है। आपकी मर्जी, चाहे तो आप लेंथ में से 5 इंच कम कर लीजिए, चाहे अपनी मर्जी से, चाहे 5 इंच ऐसे बाहर निकाल कर मार्जिन इसका ले लीजिए 1 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम कट करेंगे। ये हमने सेंटर पीस उतार लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारी लेंथ हो गई है। यहां से हम सेंटर पीस निकालेंगे। अपनी मूरी 7 इंच है सलवार की, 7 और 7 14 हो गए। ऐसे हम 14 इंच निकाल लेंगे। आपकी मर्जी फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि लेंथ करने की तरफ हमारी लंबाई है। इसमें ऐसा है कि जल्दी कट हो जाता है और जल्दी निशान लगाने में टाइम बच जाता है। तो ऐसे हम इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने डबल करके कट किया था, तो ये ऐसे हम इसको खोल लेंगे। ये हमारे सेंटर पीस हो गए। ये वेस्ट कपड़ा है हमारे पास, और उसके बाद जो ये कपड़ा था उसको हम ऐसे रखेंगे। इसको हम ऐसे सेट करके विशाल सेंटर पीस उधर स्टार्ट। यहाँ पर मैंने सेंटर पीस रख लिए हैं ऐसे, यहाँ पर बिल्कुल एक सा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी मूरी थी 7 इंच, तो 1.5 इंच इसका मैं मार्जिन लूंगी। 8.5 मूरी हो गई। बिल्कुल इसके सिर में ऐसे निशान लगाना है 1.5 इंच का ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे इंची टेप रखेंगे, यहाँ पर लगाएगा तो कम हो जाएगा, इसलिए इसकी बिल्कुल ऐसे इंची टेप रखेंगे। अब हम यहाँ पर आसन लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमने आसन डालना है, इसलिए हमको 3 या 4 इंच ज्यादा रखना होगा। यदि हम 5 इंच बाहर निकालें पेटी का मार्जिन, तो हम 16 या 15 इंच कटाई करते हैं आसन की। 15 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 16 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसमें 3 या 4 इंच हम लेंगे आसन डालना है, तो ज्यादा कपड़ा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड। 4 इंच ज्यादा कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे ऐसे। जब इसमें अलग से कपड़ा डालना हो, नॉर्मल आसन से हम इसमें 4 इंच कपड़ा ज्यादा रखेंगे, 4 इंच यहाँ पर ज्यादा रखेंगे, ठीक है। और वहां से हमको तिरछा ही काटना है। अब हम इसको ऐसे कट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको उठा करके इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, कम था इसलिए इसको ऐसे काटा है। इसको यहां पर ऐसे अटैच करेंगे, उसके बाद इसकी जो
ऐसे सेटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम यहां से कट कर देंगे और हम इसको यहां से ऐसे कट कर देंगे। इसको भी खोल लेंगे क्योंकि इसमें आसन डालना है, अलग से कपड़ा डालना है इसमें। इसको यहां से कट कर देंगे। अब देखो कपड़ा बचा है फ्रेंड्स, पहले तो हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब ये जो कपड़ा बचा है ऐसे, ये डबल है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके यहां रख लिया बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें आसन लगाएंगे। हमको कितना चाहिए, जो खुली साइड है मैंने इस तरफ रखी है, जो बंद साइड है मैंने इस तरफ रखी है। इसको पेटी का हम जो है वो बाहर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आसन देखो कितना आपको लेना है। हम 16 इंच लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने निशान लगाया और इसको ऐसे आधा इंच थोड़ा छोड़कर मैंने रखा है ये इंच। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारा ये आ रहा है सब। मैं इसको थोड़ा सा इससे ऐसे, थोड़ा सा इससे ज्यादा कट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। और ये जो कपड़ा निकला है इसकी हम पेटी भी लगा सकते हैं। पेटी निकाल लेंगे यहां से, जो कम होगा इसका यहां पर जोड़ लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार होगी कट और इस तरफ से हम इसको खोल लेंगे। ऐसे जो फालतू उसमें नीट निकली है ये बूढ़ी पे लगेगी, कुछ मेज के साथ के लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। थैंक यू, लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना।